देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। रिपोर्ट: विजय बघेल, जानवी गुप्ता। फिरोजाबाद यूपी थाना शिकोहाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध हथियार कारतूस संग एक कैंटर पुलिस की गिरफ्त में। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा 17 जनवरी को एटा की तरफ से आ रही कैंटर गाड़ी को घेराबंदी करते हुए जैसे ही पकड़ा, पुलिस को देखकर गोवंश तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। तभी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गौ तस्करों को अवैध हथियार कारतूस एवं जिंदा व मृत गोवंश के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, यह गौ तस्कर गोवंश को कटवाने के लिए ले जा रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर शिकोहाबाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इस पूरी धरपकड़ को बखूबी अंजाम देने वाली शिकोहाबाद पुलिस को एसएसपी द्वारा 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। एलबाइट कुमार, रणविजय सिंह, एसपी देहात। देखिए, इंस्पेक्टर शिकोहाबाद को कल सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कुछ गोवंश लिए जा लेकर के कुछ तस्कर जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो एटा चौराहा है वहाँ पे एफसीए गोडाउन के पास इस ट्रक की घेराबंदी की। उसमें कुछ लोग थे, उनको हम लोग ने तत्काल चारों तरफ से दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास किया। 3 लोग अरेस्ट हुए उसमें, और जब ट्रक की तलाशी ली गई उसमें 13 गोवंश पाए गए। और उसके बाद इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये विभिन्न जगहों से इन गोवंशों को इन लोगों ने उठाया है। उसके बाद इसको ला करके वहाँ पे इसकी तस्करी करके और इसको वहाँ मुरादाबाद की तरफ ले जाएंगे। हम लोगों ने इनके बारे में छानबीन की है। ये सभी बहुत ही रिनाउंड गो तस्कर हैं। इसमें से एक जुनैद जो खतौली मुजफ्फरनगर के से फरार भी हुआ था पुलिस कस्टडी से, इसमें 2 मुरादाबाद के हैं और एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बाकी इस गैंग में और भी छानबीन की जा रही है, काफ़ी लोग हैं इसमें, और इनके जो गैंग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये कहीं से फरार भी हैं? अभी इनके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली है, अभी फरार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। इनके ऊपर हो सकता है इनाम भी हो, चूँकि काफ़ी मुकदमे इनके खिलाफ हैं। तो इस पूरे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।